सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो जुर्म की दुनिया से सूबे की सियासत में पैर जमाने वाले बाहुबलियों की लिस्ट तो काफी लंबी है। वही इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में दबदबा रखने वाला अतीक अहमद उनमें से एक है। वो शायद इकलौता सांसद है जिसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था, लेकिन आज वही अतीक ऐसा फंसा कि अब उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को लेकर पुलिस बीते दिनों रवाना हुई और अब से महज कुछ ही घंटों में अतीक कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंच जाएगा। तो वहीं अब अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि अब से महज कुछ ही देर में अशरफ भी प्रयागराज पहुंच जाएगा। तो साबरमती टू प्रयागराज का सफर काफी लंबा साबित हो रहा है अतीक अहमद के लिए, क्योंकि लगातार उसे ये डर सता रहा था कि कहीं उसे मार ना दिया जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना किया जाए। लेकिन अब से कुछ ही देर में जो अतीक है वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को रात भर नींद तक नहीं आई, वो छटपटाते रहे, परेशान होते रहे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि उनको कहीं मार ना दिया जाए। और जेल से निकलते वक्त उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो योगी सरकार है वो न्यायालय के आदेश को एक मोहरा बना रही है, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही और वो मुझे मार देंगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी पलटान हो उनको डर लगे, गाड़ी पलटने का डर है आपको, अच्छा गाड़ी पलट सकती है क्या, हो गई फाइट। हमारा राजनीतिक परिवार है, हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी पलटान हो उनको डर लगे, गाड़ी पलटने का डर है आपको, अच्छा गाड़ी पलट सकती है क्या, हो गई फाइट। हमारा राजनीतिक परिवार है। अशरफ से सवाल किया गया कि क्या उन्हें गाड़ी पलटने का डर है, तो अशरफ ने कहा कि हम तो राजनीतिक परिवार से हैं, डर तो उन्हें हो जो गुंडे और माफिया हो। तो वहीं प्रयागराज से खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, साबरमती से बीते दिनों निकला अतीक का काफिला कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंच जाएगा, कैसी स्थिति है इस वक्त जेल के बाहर की जहां अतीक को लाया जाएगा? बिल्कुल मुस्कान, 2006 में हुए अपहरण कांड में जो अतीक अहमद को नामजद किया गया था, उस पूरे मामले को लेके बीते कल देर शाम से अतीक अहमद को अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। और बीते कल से और अभी तक की तस्वीरों की बात की जाए तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक तस्वीर यह भी सामने आई कि अतीक अहमद की जो काफिला था उसमें गाय के टकराने का भी वीडियो सामने आया था। हालांकि उस पूरे घटना के दौरान अतीक अहमद पूरी तरीके से सुरक्षित बताया गया, लेकिन अगर अतीक अहमद की बात की जाए प्रयागराज लाने की, तो इस समय मैं प्रयागराज के उसी केंद्रीय कारागार के गेट पर हूँ, जहां पर अभी कुछ ही देर में अतीक अहमद का काफिला आएगा। और अतीक अहमद के पूरे काफिले के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 45 पुलिसकर्मियों की जो एक टीम है वो अतीक अहमद को बीते कल से ही अहमदाबाद से प्रयागराज लाने के साथ जो है लगी हुई है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने है, चाहे वो अतीक अहमद के कल मीडिया के सामने आने की बात थी, जब अतीक अहमद को मौत का डर सता रहा था और उसने साफ तौर पर कहा था कि उसका इनकाउंटर किया जा सकता है, उसके अपने मौत का खौफ वो साफ तौर पर देखा गया। और आज जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की तमाम टीमें हैं और पीएसी के जवान भी लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि अतीक अहमद को इस जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से नैनी सेंट्रल जेल की तैयारियां हैं, पुलिस की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही है, एसीपी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर आए हैं, उन्होंने जेल का निरीक्षण किया है, तो बिल्कुल यह तस्वीरें बता रही है कि अतीक अहमद किसी जेल में रखा जाएगा और कल करीब 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर 2006 में हुए जी। कुछ ही देर में जो अतीक है वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे। लंबा सफर था, उनको रात में नींद भी नहीं आई, वो रात भर पूरे उलझन में रहे, ऐसा बयान सामने आया। तो तकरीबन कितने बजे तक अतीक के वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या पहले अतीक पहुंचेंगे या पहले अशरफ पहुंचेंगे? 45 से 50 मिनट के बीच जो है अतीक का काफिला प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की लगातार जो है यहां पे टीमें बढ़ाई गई है, पीएसी के जवान लगाए गए हैं, तो ऐसे जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें दिख रहा है कि कुछ ही देर में अतीक का काफिला जो है वो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में आएगा। हालांकि अतीक के साथ अतीक का भाई अशरफ, जो कि बरेली
जेल में बंद है उसको भी प्रयागराज लाने की तैयारी की गई थी, और अतीक के कुछ ही देर बाद जो है अशरफ भी नैनी सेंट्रल जेल में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अतीक का बेटा उमर अली जो कि इसी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, हालांकि जो ये तीनों लोग हैं तीनों के जो बैरक है वो अलग अलग बनाए गए हैं। जिस बैरक में उमर अली रह रहा है वह दूसरी बैरक है, लेकिन जिस बैरक में अतीक को रखा जाएगा वो हाई सिक्योरिटी बैरक बनाया गया है, और उस सिक्योरिटी बैरक में सीसीटीवी और बॉडी वॉर्ड कैमरे से पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। और इस जो पूरे सीसीटीवी कैमरे की जो मॉनिटरिंग है वो लखनऊ से डीजी जेल करेंगे, तो मतलब तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही है कि कितने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, क्योंकि माफिया अतीक अहमद का जो वर्चस्व रहा है पूरे पूर्वांचल में वो किसी से अछूता नहीं है, किसी से अनजान नहीं है। और जिस तरीके से बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, इस पूरे घटना के दौरान अतीक एंड कंपनी का नाम सामने आया था, पुलिस ने करीब 13 आरोपियों को नामजद किया था। हालांकि अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अभी तक पुलिस के हाथ वो मुख्य आरोपी नहीं लगे हैं जो इस पूरे घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। हालांकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद को इसी जेल में रखने के बाद पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के भी बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करेगी और कई ऐसे सबूत और कई ऐसी बातें आने की उम्मीद जताई जा रही है। एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है साल 2006 में जो उमेश पाल की किडनैपिंग हुई थी उस मामले पे, तो किस तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए अगर एमपीएमएलए कोर्ट की बात की जाए तो जिला अधिवक्ता ने जो है पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था, उन्होंने एमपीएमएलए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हाई प्रोफाइल मामला और अतीक अहमद को एमपीएमएलए कोर्ट में लाया जा रहा है, इसलिए एमपीएमएलए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है अतीक अहमद को यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई जाए, क्योंकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं वो सामने आ रही है, और तमाम तरह की बातें हैं वो अभी तक सामने आ रही है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई जाएगी, और पुलिस इसको रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल करेगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है और अतीक अहमद इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है। तो ऐसे में पुलिस अतीक अहमद से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कई राज उगलवाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल, और उनसे बातचीत भी करनेगी और उनसे तमाम तरह की जो पूछताछ है वो भी बातें सामने आएंगी। बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विभांशु लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, अशरफ को भी आज बरेली से प्रयागराज के नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, और जब उनका काफिला लखनऊ पहुंचा तो किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको देखे, और तकरीबन कितने बजे तक अशरफ को लेकर जो पुलिस है वो प्रयागराज पहुंचेगी? हेलो हेलो, पहले अतीक अहमद के भाई अशरफ को लखनऊ की सीमा से दाखिल हुआ है, और अब अगर तत्काल में बात करें तो अशरफ का जो एसटीएफ की टीम जो अशरफ को लेके जा रही है वो फिलहाल तेलीबाग में है और तेलीबाग क्रॉस कर रही है। आपको बताएं कि जब लखनऊ सीमा में अशरफ दाखिल होता है पुलिस के साथ, उस वक्त तमाम मीडिया के लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें साफ तौर से अशरफ के चेहरे पर डर नजर आ रहा था, और मीडिया के जो तमाम लोग थे उनके तरफ से पूछा गया कि क्या आपको गाड़ी पलटने की डर है, तो साफ तौर से अशरफ इस पर बचते हुए कहा कि हम राजनीतिक लोग हैं, हम अपराधी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अतीक अहमद अभी कुछ ही अगर बात करें तो दो घंटे माना जा रहा है कि दो घंटे में वो प्रयागराज पहुंच जाएगा, जहाँ अभी अगर फिलहाल में अतीक की रूट की बात करें तो चित्रकूट में है, और उसका भाई मैं अगर बात करें तो लखनऊ सीमा को छोड़ चुका है। और अच्छा विभांशु, अभी आपने बताया कि जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल किया गया, जी विभांशु, जब मीडिया द्वारा अशरफ से सवाल किया गया कि आपको अब जेल लेके जाया जा रहा है, आगे पूछताछ की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी पलटने के सवाल पर कहा कि डर हमें नहीं, डर गुंडे माफियाओं के है, लेकिन उनके चेहरे का हाव भाव कैसा था, क्या वो डर में थे या फिर नहीं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो आप वीडियोस में देख सकती हैं, जो तमाम विजुअल्स आए हैं उसमें साफ है कि अशरफ कहीं ना कहीं डरा है, उसके चेहरे के भाव से साफ लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो कहा सरकार है योगी आदित्यनाथ सरकार, जो तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम अपराधियों को हरगिज नहीं बख्शेंगे, और बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी क्रम में आपको बताएं कि साफ तौर से दोनों भाइयों को
के चेहरे पर जो हाव भाव है वो कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। डर का माहौल सा उनके चेहरे से प्रतीत होता है। आपको बता दें कि कल दोनों भाइयों की प्रयागराज की MP MLA स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है, उससे ठीक पहले नैनी जेल ले जाया जाएगा, जिसको लेकर अगर मुस्कान बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के DG जेल आनंद कुमार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करते हुए इन दोनों भाइयों की पूरी हाई सिक्योरिटी में रखने की बात कही गई है। और दिन जिस बैरक में इन दोनों भाइयों को रखा जाएगा, अलग अलग बैरक बनाए गए हैं और दोनों बैरकों में बॉडी वार्मर कैमरे और साथ ही साथ तमाम जो अत्याधुनिक उपकरण होते हैं उससे लैस ये बैरक होगा। और साथ ही आपको बता रहे कि उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के DG जेल आनंद कुमार इन दोनों को जो जेल के अंदर से कैमरे होंगे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और साफ तौर से जब इन दोनों भाइयों की कल पेशी होगी तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां एक तरफ अतीक अहमद के साथ लगभग 40 से अधिक सुरक्षा की दृष्टि से जवान तैनात किए गए हैं, जो पूरे हथियारबंद तरीके से उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं कि उसे नैनी कोर्ट तक सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाए, तो वही कोर्ट में भी कल पूरे सुरक्षा के साथ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि इसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी बनाई जाएगी, यानी कि तीन चक्र में सिक्योरिटी बनाई जाएगी और उसके बीच से अतीक को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। अब देखने वाली बात, लेकिन विभांशु जिस तरीके से पवन ने हमें बताया कि ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश किया जाए। जी बिल्कुल, ये कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट इस चीज को अभी इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। अभी देर शाम तक दोनों भाई पहुंचेंगे, जिसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि सुरक्षा के दृष्टिगत कहा जा रहा है कि सुरक्षा के कोई कमी ना हो, इसके चलते दोनों भाइयों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी होगी, मगर अब तक इसको लेकर कोई आदेश या कोई एडवाइजरी नहीं आई है। अभी अगर बात की जाए तो देर शाम तक हो सकता है कि इस पर जो संभावनाएं हैं कि VC से इन दोनों की पेशी की जाएगी, उस पर देर शाम मुहर लग सकती है। बात करें मुस्कान तो 2006 मामले को लेकर 2006 में घटित अपहरण मामले को लेकर दोनों भाइयों की पूछताछ हो रही है, मगर अगर बात की जाए तो बीते दिन लगभग 32 दिन पहले प्रयागराज में आपने देखा कि कैसे दिन दहाड़े बम और गोलियों से वकील को भूना गया। उसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस मामले को भी लेकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूछताछ कर सकती है। जी बिल्कुल पवन, जिस तरीके से अतीक ने मीडिया से ये कहा कि हमें डर है कहीं हमारी गाड़ी ना पलट जाए, हमें डर है कहीं हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ऐसे में बार बार पुलिस पर सवाल खड़ा करना आखिर कहाँ तक सही है? अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेके, चूंकि ये मामला उमेश पाल अपहरण कांड का है और ऐसे में MP MLA कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह के वीडियो सामने आए थे और वीडियो के दौरान अतीक अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, उसको अपने मौत का खौफ उसको दिख रहा था। लेकिन चूंकि कोर्ट का मामला और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि पुलिस अतीक अहमद को सुरक्षित जेल में कोर्ट में पहुंचाए, जहां पर यह अपहरण कांड मामले की जो सुनवाई होनी है और इस पूरे मामले पे लेके कल जो है अतीक अहमद को सजा सुनाया जाएगा। इस पूरे घटना के दौरान करीब 10 नाम जो है वो सामने आए थे, हालांकि इन पूरे 10 नाम में उसमें से एक की मौत हो चुकी है और 9 लोगों को MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कोर्ट द्वारा जो है कल 9 लोगों को सजा सुनाई जाएगी और इसीलिए कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से अतीक अहमद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाए। जी बिल्कुल विभांशु, आज जब अशरफ लखनऊ पहुंचे तो उनके चेहरे पर डर साफ तौर पर देखने को मिला और उन्होंने कहीं ना कहीं डर को छुपाने के लिए ये कहा कि हम तो राजनैतिक परिवार से हैं और हम माफिया या नहीं है जो हमें मिट्टी में मिला दिया जाए या हमारा एनकाउंटर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो साफ तौर से अगर देखे तो अशरफ के बयान से ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है और जब मीडिया के लोग उससे सवाल पूछते हैं गाड़ी पलटने को लेकर तो वो कहीं ना कहीं हिचकते हुए वो कहता हुआ नजर आता है मुस्कान कि हम राजनीतिक परिवार से हैं, हम अपराधी नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल कोर्ट का फैसला आएगा, इसमें क्या सजा सुनाई जाता है वो आने वाला समय बताएगा। मगर मुस्कान आपको बता दें कि कल अगर देखें तो कोर्ट में धारा 147, 148, 149, 323, 341 और साथ ही साथ 506, 504 और 34 और साथ ही साथ 120 B के तहत
फैसला सुनाया जाएगा। आपको बिल्कुल हिमांशु, आपने इन सभी धाराओं का जिक्र किया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है जो कहीं ना कहीं उनके गले का फंदा बनेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुस्कान तो 342 और साथ ही साथ 306, अगर बात करें तो 342 धारा जो है जिसमें कानून देखा जाए तो आईपीसी की धारा में आजीवन कारावास होती है, तो माना जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कि 342 के तहत आजीवन कारावास हो सकती है, मगर ये कहना साफ नहीं है क्योंकि ये न्यायपालिका के तमाम प्रारूप हैं और न्यायपालिका इसको तय करती है, अपने तराजू पे तौलती है दोनों पक्षों को, उसके बाद वो न्याय करती है, फैसला सुनाती है। मगर धाराओं के हिसाब से और कानून के जानकारों के मुताबिक अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 342 और 341 के तहत अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को, और साथ ही साथ जो 9 अगर बात की जाए तो इसमें जो 11 लोग हैं जो अन्य अभियुक्त हैं उनको आजीवन कारावास हो सकती है। जी धन्यवाद हिमांशु पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर सियासी संग्राम जारी है और एकजुट विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को अब घेरना भी शुरू कर दिया है। इस बीच सोमवार यानी आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे, वहीं सोनिया गांधी भी काले बॉर्डर की साड़ी पहनकर पहुंची। अडानी और राहुल के मुद्दे पर सदन शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ, इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित भी कर दिया है। तो राहुल ने जो सदस्यता गवाई है उसकी लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है, क्योंकि तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी विपक्षी पार्टियां हैं वो अब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। जो है एक तरफ सभी विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, तो वही सोनिया गांधी भी काले बॉर्डर की साड़ी में इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुई है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में बैनर और तख्तियां भी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मोदी और अडानी की दोस्ती पर सवाल खड़ा किया है। तो काली साड़ी में सोनिया और काली पगड़ी में खड़गे भी नजर आए, और आप सोनिया गांधी और खड़गे की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से काले कपड़ों में जो सभी विपक्षी नेता हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो काले लिबास में सभी विपक्षी पार्टियां नजर आई हैं, जहां वो एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही हैं तो वहीं लगातार ये मांग उठा रही हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो आम मुद्दों पर बात नहीं करता है, वो अडानी और मोदी के मुद्दे और उनकी दोस्ती साफ तौर पर देखने को मिलती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज जिस तरीके से काले लिबास में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आईं, तो इस दौरान इस प्रदर्शन में कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां शामिल रही? देखिए मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात है काला, काला कपड़ा यानी काला रंग अगर जो होता है वो विरोध का प्रतीक होता है, और काले रंग के अगर कपड़े पहने या काले गुब्बारे या काले झंडे दिखाए जाते हैं तो बताया जाता है कि विरोध की इंतहा होती है, और विरोध का सबसे अच्छा माध्यम होता है काले रंग के कपड़े पहनना, काले झंडे दिखाना, काले गुब्बारे दिखाना विरोध का माध्यम होता है। तो उसी विरोध के माध्यम में जिस तरह से राहुल की अभी हाल में ही वाराणसी से वहां पर सांसद थे उनकी सदस्यता गई है एक सजा होने के बाद, तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, लगातार सत्ता गिरा रही है। अगर बात करें पूरे देश भर में इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, उसी की एक अनुभूति आज हमें सदन में देखने मिली जहां पर कांग्रेस में तमाम विपक्षी पार्टी द्वारा आज काले कपड़े पहने गए। जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी की माँ है, वो भी यहाँ पर काले कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा बात करें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी काले कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो काले कपड़े पहने हुए थे। विपक्षी पार्टी की अगर बात करें, विपक्षी पार्टी तमाम जो दल है जो कांग्रेस के सहयोगी दल है, एनसीपी की बात करें या आपका शिवसेना की बात करें, जो युवा का जो उद्धव गुट है इसकी बात करें, या तमाम जैसे जो लड़के विपक्षी कांग्रेस के साथ यहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर काले कपड़े पहन कर विरोध दिखाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान यहाँ पर है कि कांग्रेस फिलहाल राहुल गांधी के मुद्दे को लगातार प्रदर्शन कर रही है, और जमीन है वो यहाँ पर कांग्रेस तैयार करती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि बीजेपी जरूर यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर जो चर्चा की जा रही थी अडानी अंबानी मुद्दे की यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी, जेपीसी की मांग
यहाँ पर हो रही थी, तो वहाँ राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिए थे कन्वेंशन के बयान के बाद, ये मामला अभी अभी फिलहाल शांत पड़ा हुआ था। और यहाँ पर कांग्रेस की जो अगर हम बात करें राहुल गांधी की, यहाँ पर सरसर हुई उसके बाद से लगातार गतिरोध जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच संघर्ष जा रही है, जहाँ पर एक तरफ कांग्रेस स्पष्ट रूप से बता रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या की और बीजेपी यहाँ पर लगातार तानाशाही रुख अपनाई है। लेकिन गौरव, एक तो संसद की कार्रवाई नहीं होने देना, फिर ऊपर से काले कपड़ों में प्रदर्शन करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए कार्रवाई की बात करें तो मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे ये बहुत खराब दिन है, यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पैसा होता है, जो कि संसद की कार्रवाई प्रतिदिन बड़ा पैसा खर्च होता है, सांसद आते तमाम तरह के यहाँ पर खर्चे होते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जनता के साथ विश्वासघात भी है। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको आप अपनी बात रख सकते हैं, पर यहाँ पर सदन से करना, हो हल्ला बजाना, बवाल करना, कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की गरिमा यहाँ पर खंडित होती है। अगर बात करें भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो फिलहाल हम देखें लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई यहाँ पर स्थगित होती आ रही है। कारण क्या पर है, पहले अडानी अंबानी मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष जारी था, तो वही राहुल गांधी के कैबिनेट मिनिस्ट्री वाले बयान पर लेकर लगातार यहाँ पर गर्मा गर्मी का दौर जारी था। उस जिस तरह से अभी हाल में राहुल गांधी की के बाद भी लगातार गतिरोध जारी है, फिलहाल गतिरोध हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश की संसद के लिए और हमारे देश की जनता के लिए फिलहाल यहाँ पर एक खराब संकेत देता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें मुस्कान की, प्रदर्शन करना अलग बात है, विरोध करना अलग बात है, और इसकी आपको इसकी अनुमति हमारा देश का संविधान देता है, हमारे मौलिक। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं आज एक बार फिर से इस मामले की गूंज राजधानी लखनऊ में सुनाई दी है। दरअसल शिक्षक भर्ती के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब उन्होंने मांग भी उठाई है। तो 6800 भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई है। 6800 भर्ती प्रक्रिया पर ओबीसी अभ्यर्थियों का जबरदस्त हंगामा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है, जहां अभ्यर्थियों की गुहार है कि भर्ती दो सरकार। एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 6800 की नियुक्ति को लेकर आज फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला है, इस दौरान शिक्षा मंत्री द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित छात्रों का 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का में से आज 6,800 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में एक बार फिर देखने को मिला। अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर अभ्यर्थियों एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में लगभग हजारों की संख्या में अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर के बाहर घेराव किए शांतिपूर्वक तरीके से, वो संदीप सिंह के घर के बाहर अपने न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए। साफ तौर से अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अपने आवास में मौजूद थे और लगभग घंटों तक वो अपनी मांगों को मांगते रहे, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका भी जा रहा था, मगर उनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन को देखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह छात्रों के जो अभ्यर्थियों का डेलीगेशन था उसको बुलाए और उनसे बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को सुनते हैं और जल्द से जल्द इसको लेकर हम उच्च पदों, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखेंगे और साथ ही साथ जो उच्च अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करेंगे। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का मामला प्रमुखता से समाजवादी पार्टी उठाते हुए नजर आ रही थी। और बात करें तो बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और इस बात को सदन की पटल पे रखने को कहा था। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अगस्त 2022 में एएनएम को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन साल 2023 के 3 महीने लगभग बीतने को हैं और अब तक एएनएम को ना तो नियुक्ति पत्र मिला है और ना ही आयोग अब इस मामले में कोई सुध ले रहा है, जिसकी वजह से अब तक कई एएनएम द्वारा सुसाइड भी किया जा चुका है, जिसके लिए अब एएनएम मारी मारी फिर रही है। तो एक बार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एएनएम को एक तो पहले नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, फिर अब उनके द्वारा सुसाइड भी किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर जो विभाग है वो उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहा है। अगस्त 6 अगस्त 2022 में जो 7,000 से अधिक एएनएम स्वास्थ्य कर्मी थी, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। बकायदा कई उसमें संहिता पर भी है और बकायदा इन्होंने परीक्षा पास करके इन्होंने ये इनका चयन हुआ है, चयन जो प्रक्रिया हुई है उसमें ये पास हुई है, लिस्ट में इनका नाम आया है। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो 8 महीने आप जीतने के हैं लेकिन उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। बार बार आयोग जा रही है, अपने विभाग जा रही है, लेकिन उनको हर बार झुंझुना जो है वो पकड़ा दिया जा रहा है। इसके लेकर तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है, एनएम कार्यकर्ता है, उनमें एक निराशा का भाव है। कई एनएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी कई जो साथी कार्यकर्ता है जो एनएम है वो अब अवसाद का शिकार हो रही है, डिप्रेशन में जा रही है और कईयों ने तो सुसाइड तक की भी बातें कही है। ऐसे में ये देखना है कि लगातार डिप्टी सीएम स्वास्थ्य प्रक्रियाओं में सुधार की बात करते हैं, नई योजनाएं लाते हैं जिससे सूबे के लोग को स्वास्थ्य लाभ मिले और संरक्षण करते हैं, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है अभी भी सरकार में कहीं ना कहीं जो अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन प्रक्रिया के द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी। बाकायदा 7,000 से ज्यादा लोग इसमें अभी भी अपने नियुक्ति पत्र पाने के इंतजार में है। जब हमने इन कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में भी 4 लोग ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, न कि लिस्ट में उनका नाम है, और वो 4 लोग पक्की नौकरी भी कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मामला है इस यूपी अधीनस्थ चयन प्रक्रिया के द्वारा, जो इस चयन प्रक्रिया का मामला आया है काफी बड़ा मामला है, और ये जो एएनएम कार्यकर्ता है अपनी नौकरी के लिए अपनी नियुक्ति के लिए मारी मारी फिर रहे। लेकिन विवेक, इस हद तक लापरवाही की वजह क्या है, क्योंकि एएनएम द्वारा सुसाइड भी किया जा चुका है, तो आखिर सुध क्यों नहीं ली जा रही है, लापरवाही कहाँ पर हो रही है? मामला जो है घोटाले से भर्ती प्रक्रिया में जुड़ा हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई थी। फिलहाल कोर्ट ने अपनी रोक हटा ली है और सरकार ने ये आश्वासन भी दिया था कि 21 तारीख तक जो है जो उनकी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी, लेकिन इसके बाद भी अब तक उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। ये बार बार अपने आयोग जा रही है, प्रमुख सचिव से मिल रही है और प्रमुख सचिव के बाद स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था जाने की बात कर रहा है। तो एक तरफ से हिलाई देखा जा रही है, लापरवाही देखा जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि इन एएनएम कार्यकर्ताओं को, जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है जिनकी जरूरत जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर गाँव गाँव में होती है और वो अपने हिसाब से अपने कर्तव्य को पूरा करती भी नजर आ रही है, तो 7,000 से अधिक जो ये कार्यकर्ता है वो अपनी नियुक्ति पत्र के लिए अड़ी हुई है, लगातार मांगे कर रही है मुख्यमंत्री से लेकर अपने अधिकारियों, लगातार मांगे कर रही है और अपनी मांग को लेकर डटी हुई है, लेकिन कहीं भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जी धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।